भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत अपने एक बयान से इन दिनों सुर्खियों में आ गए थे, जिसके बाद उनकी चौतरफा इस बयान को लेकर जमकर निंदा हो रही थी। उनके इस बयान पर जहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहले ही नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश से माफी मांग चुके हैं, वहीं कल देर शाम सोशल मीडिया सेल ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का एक बयान जारी किया है, जिसमें बंशीधर भगत ने अपने उस बयान पर खेद जताते हुए अपने शब्दों को वापस लेने को कहा है। कल भीमताल के कार्यकर्ता मिलन समारोह में मेरे द्वारा एक शब्द कहा गया, मुझे पता लगा है कि इससे हमारी नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश जी काफी आहत हुई हैं, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने इस दृष्टि से उस बात को बिल्कुल नहीं कहा। इंदिरा हृदयेश जी हमारी वरिष्ठ हैं और नारियों का सम्मान करना मेरा ही नहीं, मेरी पार्टी का परम कर्तव्य है। मैंने सामान्य वे में एक बात कही, इसका अगर उनको कोई कष्ट पहुंचा है तो निश्चित रूप से मैं हृदय की गहराइयों से खेद प्रकट करते हुए अपने शब्दों को वापस लूं। वहीं कांग्रेस ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के इस बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के द्वारा खेद जरूर जता दिया गया है, लेकिन उनके अपने पूर्व के बयान पर शर्मिंदगी नहीं है। कांग्रेस महिला प्रवक्ता गरिमा दोसानी ने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत अभी भी हेकड़ी दिखा रहे हैं, वो एक सीनियर नेता है, उन्हें अपनी भाषा मर्यादित रखनी चाहिए। देखिए, बंशीधर भगत जी ने अपनी अमर्यादित अनर्गल अपशब्दों के लिए खेद जरूर प्रकट किया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनका माफी मांगने का अंदाज है उसमें ग्लानी नहीं दिखाई पड़ती, उसमें गिल्ट नहीं दिखाई पड़ता, उसमें ये कहीं से दिखाई नहीं पड़ता कि वो शर्मिंदा हैं अपने शब्दावली के लिए। इसलिए मैं कहना चाहूँगी बंशीधर भगत जी से कि एरोगेंस अच्छी बात है, लेकिन जो ओवर एरोगेंस आपके अंदर है, आपको समझ ही में नहीं आ रहा कि मैंने एक महिला का अपमान कर दिया, मैंने नेता प्रतिपक्ष का अपमान कर दिया, मैंने उम्र में अपने से बड़ी महिला का अपमान कर दिया, और उनका अपमान करते करते कहीं ना कहीं मैंने पूरे उत्तराखंड की मातृशक्ति का अपमान कर दिया। इसलिए मैं बंशीधर भगत जी से कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा अपना आत्म अवलोकन की आपको ज़रूरत है। आप ज़रूर बड़े नेता हैं भाजपा के, आप भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप कई बार के विधायक हैं, आप मंत्री रह चुके हैं, लेकिन आपको ये अधिकार कहीं से कहीं तक नहीं पहुंचता, उसके बावजूद कि आप मातृशक्ति का अपमान करें या किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन करें। दरअसल बीजेपी के अति उत्साहित प्रदेशाध्यक्ष बंशीधर भगत ने सभी मर्यादाओं को ताक पर रखकर नेता प्रतिपक्ष को बुढ़िया कह दिया था, जिसके बाद उनकी चौतरफा इस बयान को लेकर जमकर निंदा हो रही थी। हालांकि बंशीधर भगत ने अपने इस बयान पर खेद जाहिर किया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।